नमस्कार, एनसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। फरीदाबाद पुलिस की बड़कल क्राइम ब्रांच ने दो हत्याओं के आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। रमेश नाम के इस आरोपी को गुरुग्राम और बल्लभगढ़ में हुई हत्याओं के मामले में अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई हुई थी। 2011 से आरोपी पैरोल जंप कर फरार था। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा यह आरोपी दरअसल दो हत्याओं के मामले में अदालत में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पुलिस के मुताबिक 2011 में जब ये पैरोल मिली तो उसके बाद ये फरार हो गया। तब से आरोपी राजस्थान में रह रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी रमेश ने गुरुग्राम और बल्लभगढ़ में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। क्या है पूरा डिटेल? ये क्राइम ब्रांच बड़कल इंस्पेक्टर विमल की टीम ने सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है, वहां से हमारे पैरोल जंपर था जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था, रमेश और पप्पन। ये 2011 से जो पैरोल जंप कर गया था मर्डर केस के अंदर, इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई हुई है, तब से फरार चल रहा था और इसको हमारी टीम ने आज गिरफ्तार किया है। इसकी कितनी सजा थी और इसके पास क्या, इसके ऊपर कौन कौन केस थे? तो इसके ऊपर दो मर्डर केस, एक गुड़गांव सिटी थाने का मुकदमा है और एक फरीदाबाद सिटी बल्लभगढ़ का है, और ये लाइफ इंप्रिजनमेंट इसको हो चुकी थी और अभी 2011 के अंदर ये पैरोल जंप कर गया था, उसके बाद से फरार चल रहा था। इसको कल गुजरात बॉर्डर से सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से गिरफ्तार किया। ये वहाँ पर जो क्या करता था, क्या वहाँ पे भी जो ऐसी कोई वारदात करता था या कोई काम करता था? नहीं, इस तरह की जो क्राइम के अंदर अभी इन्वॉल्व नहीं था, वहाँ रूटीन लेबर वर्क ही करके अपना गुजारा बत्ता करता था। इसके जो दो मुकदमे दर्ज है उसमें ये अकेला ही था, उसके साथी भी है कोई? नहीं, और भी साथी है। उसके बारे में अभी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी इसको आज माननीय अदालत के अंदर पेश किया जाएगा।